नमस्कार, आज तक एआई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एआई एंकर सना और मैं आपके लिए लेकर आई हूं एआई टू जी, जिसमें हम जानेंगे टेक और एआई की दुनिया के बड़े अपडेट्स। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई खुद के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप बनाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ऐसा करने के लिए मार्केट में पहले से मौजूद चिप बनाने वाली किसी कंपनी का अधिग्रहण भी कर सकती है। हालांकि कंपनी ने इस ओर आगे बढ़ने को लेकर आखिरी फैसला नहीं किया है। ये जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से मिली है। कंपनी ऐसा ओपन एआई की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कर रही है। ओपन एआई को महंगे चिप की जरूरत होती है और वो इसकी कमी से जूझ रही है। कंपनी जिन विकल्पों पर गौर कर रही है उसमें खुद के एआई चिप तैयार करना, एनवीडिया जैसी किसी दूसरी चिप बनाने वाली कंपनी के साथ मिलकर प्रोडक्ट को तैयार करना भी शामिल है। जर्मन ऑटोमेकर पोर्शे और इन्वेस्टर अब पार्टनर्स ने सेंसिगो लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से व्हीकल सर्विस टेक्नीशियंस की रिपेयर से जुड़ी समस्याओं में मदद करेगा। सेंसिगो ने कहा है कि उसका एआई पावर्ड सर्विस प्लेटफॉर्म और टूल रिपेयर की प्रक्रिया को और भी बेहतर कर देगा। अब खबर भारत में एआई को लेकर हो रहे बदलावों की। प्रयागराज में जिला कारागार की सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक कर दी गई है। यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सुरक्षा का जाल बिछाया गया है। जेल की दीवारों पर इस तरह से कैमरे लगे हैं कि जेल के अंदर दिन या रात किसी भी वक्त होने वाली गतिविधियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलर्ट मैसेज करेगी। अगर किसी ने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की तो भी जेल प्रशासन को इसकी भनक लग जाएगी। नैनी सेंट्रल जेल में लगभग 4500 कैदी हैं। अब हम एआई के जोखिमों पर बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चैटबॉट गर्लफ्रेंड ने एक ब्रिटिश सिख युवक को 9 साल की जेल करवा दी है। आरोपी युवक 2 साल पहले अपनी वर्चुअल गर्लफ्रेंड के कहने पर रॉयल पैलेस में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को मारने उनके अपार्टमेंट तक चला गया था। आरोपी का कहना था कि वो वर्चुअल गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार करता था और उसकी हर बात को मानता था। उसी गर्लफ्रेंड ने क्वीन की हत्या के लिए उकसाया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद युवक को दोषी पाया और उसे 9 साल की सजा सुनाई है। अब एक बार फिर लौटते हैं भारत की ओर। प्रयागराज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल करेगी। चौराहों पर भीड़ देखकर एआई खुद ही हरी और लाल बत्ती जला देगा। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। कुंभ से पहले प्रयागराज को जाम मुक्त बनाने की कवायद शासन स्तर से की जा रही है, ताकि प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रहे। इसके लिए यातायात पुलिस सड़कों व चौराहों की बनावट से लेकर यातायात का दबाव व इंजीनियरिंग की कमी का भी अध्ययन कर रही है। आज तक एआई के खास शो एआई टू जी में अभी के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए शो में नए अपडेट्स लेकर। आप देखते रहें आज तक एआई। नमस्कार।